वेलकम टू फिजिक्स फॉर यू द आइडियल फिजिक्स स्टडी एप्लीकेशन बाय अक्षय सर। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T ये रिलेशन भी कैसे हुआ और ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन ओमेगा इज इक्वल 2π/F इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बुझेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो हेडिंग कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी का सिंबल है वी, जिसको आप ओनली वेलोसिटी बोलते हैं इसको लीनियर वेलोसिटी भी बोला जाता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी सिंबल है ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये एक सर्कल का एक पार्ट है जिसको आर्क बोलते हैं, आर्क सर्कल का ये पार्ट है। देखिए ये है आपका सेंटर, ये है रेडियस, ये भी भैया रेडियस, एंड दिस इज द एंगल। ये आर्क का ये जो आर्क है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि लास्ट दोनों पॉइंट सेंटर में थीटा एंगल किए हैं, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एल, इतना तक लेंथ एल मान के चलिए। एक्चुअली क्या होता है, यदि ये आर्क पूरा बड़ा सर्कल का छोटा पार्ट होता, एकदम छोटा पार्ट होता, तो ये लेंथ जो है ना इट अपीयर्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन। ये पूरा यदि छोटा होगा ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा ना। तो ज्योमेट्री कह रहा है ये थीटा आर और एल के बीच में रिलेशन आप स्कूल में पढ़े होंगे, ऑलवेज याद रखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर ऑलवेज होगा, ये स्कूल का बात है। दिस एंगल इज इक्वल टू आर्क का लेंथ बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये आपको याद रखना है। इट इंप्लाइज आप जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या होगा भैया, थीटा आर होगा। अच्छा यदि ये थीटा पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल, तो भैया एल पूरा सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा। देखिए ये थीटा यदि पूरा टोटल सर्कल का एंगल बन जाएगा, ये एल क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा। अच्छा सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और 180 डिग्री को आप बोलते हैं पाई रेडियन। तो जब पूरा फॉर सर्कल यदि ये पूरा सर्कल होगा ऐसे हो जाएगा, तो थीटा भैया कितना होगा, थीटा हो जाएगा 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 2π रेडियन, बिकॉज पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, 360 मीन्स 2π रेडियन। तो उस टाइम थीटा जब 2π हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, इट इंप्लाइज एल इज इक्वल टू थीटा के जगह 2π पुट कीजिए, 2πr। और आप जानते हैं ऑलरेडी स्कूल में कि सर्कल का ये जो पेरीमीटर है, या पेरीमीटर मतलब आर्क का लेंथ है, ये है 2πr। ये कैसे हुआ मैं आपको बता दिया, उसका पहला कॉन्सेप्ट यही है, इससे शुरुआत होता है, ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आप कोई भी आर्क ड्रॉ करेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे, इससे ये डिवाइड करेंगे तो एंगल निकल जाएगा, और इट शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। समझ गए मेरे बात। अच्छा अभी हम हमारा टॉपिक को जाते हैं, लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए लेट अस से एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ए से बी जा रहा है, देखिए ऐसे ए से बी जा रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब है यह है सेंटर। तो एक्चुअली
दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, तो ए से गया ए से बी तक, तो ए से बी तक इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट मतलब लिनियर डिस्प्लेसमेंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये जब एकदम छोटा होगा ये पूरा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन डायरेक्टली, तो ये जितना होगा लगभग ये भी उतना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा जब ये छोटा पार्ट होगा, समझ गए मेरे बात। सो ये एंगल थीटा है, देखिए पार्टिकल ए से बी गया इसका मतलब है पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, समझ गए। मैं ऐसे लिख रहा हूं व्हेन, व्हेनेवर, मैं ऐसे लिख रहा हूं, रुकिए आप रुकिए, व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एस, ए से बी गया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, एंड कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन टाइम टी का मतलब है ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगा टी, और एग्जैक्टली ए से बी जाने के लिए यानी कि थीटा एंगल कवर करने के लिए कितना टाइम लगा टी, देन हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, देखिए थीटा इज इक्वल टू एल यानी कि आर्क का लेंथ बाई आर, तो इधर क्या होगा देन थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल मतलब क्या है यहां से यहां ये पूरा अच्छा दिखना चाहिए ए से बी, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर मतलब क्या है भैया एस बाई आर, समझ गया मेरे बात, थीटा इज इक्वल टू एल, एल मतलब आर का लेंथ, लेंथ आर का लेंथ क्या है भैया एस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बिकॉज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन डायरेक्टली, और यदि ये एकदम छोटा होता तब ये पूरा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता, और यही डिस्प्लेसमेंट होता, यही डिस्टेंस भी होता, समझ गए। इट इंप्लाइज देखिए एस इज इक्वल टू क्या बन गया भैया आर थीटा बन गया, अभी मैं दोनों साइड में टी डिवाइड कर रहा हूं, एस बाई टी इज इक्वल टू आर थीटा बाई टी, देखिए कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, इसको लिखेंगे इंप्लाइज एस बाई टी इज इक्वल टू आर होल इन टू थीटा बाई टी, ऐसे लिखेंगे ठीक। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं भैया वेलोसिटी, क्या बोलते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, देखिए थीटा बाई टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इधर मैं लिख रहा हूं सिंस मतलब दो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो आर के जगह आर में लिखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा बाई टी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, हाथ चला के बोलिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप तो वीडियो देख रहे हैं मैं जानता हूं आप हाथ नहीं चलाएंगे, तो हाथ चलाएंगे तो आपका आंख दिखेगा, आपका माउथ आपका अटरिंग करेगा, आपका कान सुनेगा, तो ऑल द सेंसरी ऑर्गन विल बी इन्वॉल्व, सो दैट आप भूलने के लिए कोशिश करेंगे भी तो भूल नहीं पाएंगे, तो वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, एयर में हाथ चलाइए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी क्या है वेयर वी इज लिनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है ओमेगा इज
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आर क्या है, सर्कल का रेडियस, आर इज, मैं इधर लिख रहा हूं, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। देखिए बेटा, तो वेलो लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में के बीच में रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाथ चला के बताइए, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वीडियो को यहां से पॉज करके यहां तक कर दीजिए, थोड़ा भैया पंचू जी जूम आउट कीजिए। टेक योर टाइम, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखिए और एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। समझने वाली बात यही है, देखिए एक्चुअली लेट अस से ये एक रॉड है, ये रॉड यहां पर पाइवोट है और यहां पर हिंज लगा है, हिंज मतलब यहां पर कुछ कब्जा जैसा लगा है, यहां पर ऐसे हिंज लगा है, हिंज HINGE हिंज। तो दिस रॉड कैन रोटेट लाइक दिस, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, मेरे बात समझिए भैया, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो एक्चुअली यदि मैं आपको बताऊंगा कि रॉड भैया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में यहां से यहां मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट कितना एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा, वही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा, देखिए देखिए वही सेम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा। ये जो पॉइंट है ये कितना एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा, ये भी वही सेम एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगा। यानी कि यदि रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड में रोटेट करता है, इसका हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है या एंगुलर स्पीड सेम होता है। ये क्यों होता है, देखिए देखिए रॉड इस पोजिशन पर था, रॉड इस पोजिशन पर चलाया, मार्क कीजिए रॉड इस पोजिशन पर चलाया, देखिए ये पॉइंट यहां से यहां गया, ये जितना एंगल किया, ये पॉइंट यहां से यहां गया तो ये भी उतना एंगल गया, देखिए ये पॉइंट यहां से यहां तक गया यानी कि ये भी उतना एंगल गया, हर पॉइंट उतना एंगल और उतना टाइम में कवर कर रहा है, इसलिए हर पॉइंट का क्या सेम है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, एलोंग द एक्सिस, देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है यानी कि एक्सिस कहां है, यहां पर एक्सिस है, और ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा और कहां होगा, बाहर को होगा, समझ गए मेरे बात, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से ये डिस्टेंस आपका आर वन है, ये डिस्टेंस आपका आर टू है, ये डिस्टेंस आपका भैया आर थ्री है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा की भी वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी एंड उसका डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस यानी कि इसमें अंदर जा सकता है बाहर भी आ सकता है, पर हिंज लगा है इसीलिए एक्सिस एक ही एक्सिस है तो अंदर जा नहीं सकता कि बाहर आ नहीं सकता, यानी कि अलोंग द एक्सिस कहां पर भी हो सकता है, पर इस पॉइंट का लिनियर वेलोसिटी कहां होगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो टांजेंशियल होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट का वेलोसिटी या लिनियर वेलोसिटी टांजेंशियल होता है और कितना होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा,
इंप्लाइज भी मतलब इस पॉइंट का लिनियर वेलोसिटी को मैं भी थ्री दे रहा हूं, आर मतलब ये पॉइंट देखिए कितना रेडियस में घूम रहा है। देखिए ये पॉइंट ये है सेंटर, देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा तो कितना रेडियस में घूमेगा भैया, आर थ्री ना, आर थ्री देखिए आर थ्री ना, आर थ्री और ओमेगा कितना, वही सेम ओमेगा, समझ गया मेरे बात। वैसे इस पॉइंट का लिनियर वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, कितना होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इंप्लाइज वी मतलब इस पॉइंट का लिनियर वेलोसिटी, वी टू इज इक्वल टू आर मतलब इस पॉइंट में इतना रेडियस में घूम रहा है, इतना इतना मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस कितना है भैया, आर टू, आर टू ओमेगा, और कहां ये वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल होगा, और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होगा, कितना होगा, वी वन इज इक्वल टू आर यानी कि आर वन ओमेगा। मेरे कहने का मतलब है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का सिग्निफिकेंस क्या है, यदि एक रिजिड बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है ओमेगा, पर हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी जो भी है वो अलग रहता है ड्यू टू रेडियस अलग अलग है। देखिए इस पॉइंट अलग रेडियस में घूम रहा है, इस पॉइंट अलग रेडियस में, इस पॉइंट अलग रेडियस में। आपको मैं पूछूं कि भैया ये रॉड का कौन सा पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, देखिए टिप पॉइंट का कितना है, वी इज इक्वल आर ओमेगा मतलब ये टिप पॉइंट इतना रेडियस में घूम रहा है, और ओमेगा ओमेगा आर बड़ा है, सबसे बड़ा है आर, जैसे आर वन से आर टू बड़ा है, आर थ्री बड़ा है, तो आर थ्री बड़ा है तो वी थ्री बड़ा होगा वी टू से, और वी टू बड़ा होगा वी वन से, तो ये टिप पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड उनके बीच क्या कॉन्सेप्ट है, एक बॉडी रिजिड बॉडी यदि सर्कुलर मोशन करता है, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, पर लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट का डिफरेंट होता है ड्यू टू चेंज इन रेडियस, समझ गए। ये फिगर बनाइए, ये लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखिए लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, कॉन्सेप्ट यानी कि सीक्रेट ज्ञान। ये फिगर बनाइए, यहां से एक रॉड लगा है ऐसे, यहां पर एक हिंज दिया है, ऐसे इसको रोटेट कीजिए ओमेगा एंगुलर स्पीड में ओमेगा, तो ये पॉइंट भी ओमेगा एंगुलर स्पीड में घूमेगा, ऐसे ओमेगा करिए, ये पॉइंट भी ओमेगा, ये पॉइंट भी ओमेगा एंगुलर स्पीड में जाएगा, और हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी में इधर लिख रहा हूं, वी वन इतना होगा, वी टू इतना होगा, वी थ्री इतना होगा, इसको आर वन दीजिए, इसको आर टू दीजिए, यानी इसको आर थ्री दीजिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हेन ऐसा लिखिए, लिखिए व्हेन, व्हेन क्वेश्चन क्यू, व्हेन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन, डूइंग सर्कुलर मोशन, डूइंग सर्कुलर मोशन। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन, और एक बार देखिए, व्हेन लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, कब, कब लीनियर वेलोसिटी यानी कि
वी विल बी इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, वी ओमेगा के साथ कब सेम होगा, इक्वल होगा कब? अब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए वी नो दैट वी और ओमेगा के बीच में क्वेश्चन दिया है कब वी ओमेगा के साथ सेम होगा, कब लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ सेम होगा। हम जानते हैं वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है भैया, वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। देखिए जब आर वन हो जाएगा, व्हेन आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये सर्कुलर पाथ का रेडियस वन हो जाएगा, यानी कि वन मीटर होगा या वन सेंटीमीटर होगा या वन मिलीमीटर होगा, तो उस टाइम ये जब वन हो जाएगा भी किसके साथ सेम हो जाएगा, किसके साथ ये वन हो जाएगा तो भी ओमेगा के साथ सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं था कब, व्हेन लिनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, भी ओमेगा के साथ कब सेम होगा, जब रेडियस कितना होगा वन होगा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, वन मीटर लिखेंगे ना वन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि कुछ यूनिट नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन, वन मीटर हो सकता है, वन सेंटीमीटर हो सकता है, वन मिलीमीटर हो सकता है। देखिए जब रेडियस वन मीटर होगा, ये वन मीटर होगा और ओमेगा फाइव रेडियन पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी होगा वन इंटू फाइव, यानी कि फाइव मीटर पर सेकेंड। जब रेडियस वन सेंटीमीटर होगा एंड ओमेगा फाइव रेडियन पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी होगा वन इंटू फाइव, यानी कि फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वन रेडियस वन मिलीमीटर होगा एंड ओमेगा फाइव रेडियन पर सेकेंड होगा, रेडियस होगा वन इंटू फाइव, यानी कि फाइव मिलीमीटर पर सेकेंड। समझ गए मेरे बात, तो लिखिए ये यहां से यहां तक करिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां से यहां तक करिए, ये लॉजिक आपका माइंड में होना चाहिए। तो लिखिए नीचे लिखिए, सो आर इज इक्वल टू वन, मतलब क्या लिखेंगे, लिखिए सो व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पी ए टी एच इज यूनिटी, यूनिटी ऐसे यूनिटी, यूनिट का मतलब क्या है वन, यूनिट का मतलब क्या है वन, ब्रैकेट के अंदर लिखिए वन, कोमा दीजिए कोमा कोमा, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू किसके साथ, लिनियर वेलोसिटी किसके साथ सेम होगा भैया, लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ सेम होगा, विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। समझ गया मेरे बात, सो कर्व लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी ओमेगा के साथ सेम होगा, जब रेडियस कितना होगा वन होगा, यानी कि यूनिटी होगा। और एक क्वेश्चन करिए, लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द लिनियर वेलोसिटी, द लिनियर वेलोसिटी ऑफ ऑफ द टिप, टी आई पी टिप, टिप ऑफ ए सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड ऑफ लेंथ टू सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लिनियर वेलोसिटी ऑफ ए सेकेंड हैंड ऑफ लेंथ टू सेंटीमीटर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड मतलब आपका क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है ऐसे, वो ऐसे क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है,
और आपको पता है ये सेकेंड हैंड का लेंथ दिया है इतना L, तो L कितना दिया है, गिवेन दैट पहले सुनिए, L कितना दिया है भैया, L दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम सीजीएस सिस्टम में आंसर करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये जो सेकेंड हैंड है, ये सेकेंड हैंड का ये है टिप पॉइंट। ये क्या है भैया, टिप पॉइंट। ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, और एक बार घूम आने के लिए, सेकेंड हैंड को एक बार घूम आने के लिए कितना टाइम लगता है आपको पता है, 60 सेकेंड लगता है। यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक, तो देखिए, तो ये ऐसे घूमता है मतलब उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, और कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा हमको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। लास्ट वीडियो में हम किए थे, क्वेश्चन दिया है इस पॉइंट का टिप पॉइंट, ये है सेंटर वाला पॉइंट, ये है टिप पॉइंट, टिप पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा। लीनियर वेलोसिटी कहां होगा, लीनियर वेलोसिटी ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां होगा, टांजेंशियल होगा भैया वी, और कितना होगा, सो वी इज इक्वल टू, आप जानते हैं वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इट इंप्लाइज ये जो टिप पॉइंट है इसका लिनियर वेलोसिटी भी इज इक्वल टू आर कितना है, ये जो टिप पॉइंट कितना रेडियस में घूमता है, देखिए ये टिप पॉइंट कितना रेडियस में घूमता है, कितना रेडियस में घूमता है, एल ना इंटू ओमेगा के जगह में 2π/T पुट किया, क्योंकि हमको टाइम पीरियड पता है, सेकेंड हैंड एक बार घुमाने के लिए 60 सेकेंड लगता है। देखिए ये टी पॉइंट दिया है, यदि ये सेंटर पॉइंट देता, मिड पॉइंट देता, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब ये पॉइंट का, आर क्या होगा, L/2 होता, और ओमेगा ओमेगा होता 2π/T, ओमेगा सेम होता है, हर पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी में ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, हर पॉइंट, मैं आपको बता चुका हूं हर पॉइंट, पर लीनियर वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग है, इस पॉइंट का रेडियस अलग है, ये पॉइंट अलग रेडियस में घूमता है, ये पॉइंट अलग रेडियस में घूमता है, समझ गए मेरे बात। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब ये पॉइंट का रेडियस है एल, ओमेगा मतलब 2π/T, जस्ट पुट कर दीजिए, एल के जगह 2 सेंटीमीटर इंटू 2π, पाई के जगह 3.14 बाई टाइम पीरियड का जगह 60 सेकेंड। देखिए 2 × 2 = 4 / 60, दिस इज 1/15 हो जाएगा, दिस इज 3.14/15। ये सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी का यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, पर आप लेंथ को सेंटीमीटर में ऑलरेडी ले चुके हैं, मीटर में कन्वर्ट नहीं करे हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, दिस इज द आंसर। समझ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, कर दीजिए वीडियो को यहां से यहां तक सॉल्यूशन लिख के, यहां से यहां तक। समझ गए। और एक क्वेश्चन लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिए ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग मतलब घूमता है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस मेरे साथ लिखिए, ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ 120 rpm, फुल स्टॉप, कैलकुलेट इट्स लिनियर वेलोसिटी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऐसे
ऐसे ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ये है सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। ये रेडियस दिया है आपका 1 मीटर, एंड ये पार्टिकल जब घूमता है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास एम लेके मान के चलिए, थोड़ा भैया जूम इन करिए पंचू जी, तो ये क्या एक दिया है 120 आरपीएम, ये क्या होता है मेरे को मालूम नहीं। आरपीएम क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। आप एक फैन खरीदोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा, मार्किंग होगा 1200 आरपीएम या 1800 आरपीएम या 1500 आरपीएम। तो एक्चुअली 120 को 120 में रखा, आर मतलब रिवोल्यूशन, पी मतलब पर, एम मतलब मिनट। तो पहले आपको क्या करना चाहिए भैया, रिवोल्यूशन पर मिनट को आपको रिवोल्यूशन पर सेकंड करना चाहिए। तो मैं कैसे कर रहा हूं देखिए, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट के जगह में लिखा 60 सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? मिनट के बदले में लिखा 60 सेकंड, ये 60 120 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2 और यूनिट क्या बचा? रिवोल्यूशन पर सेकंड। पर रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब है हर्ज। मैं आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, उसका यूनिट होगा 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स या रिवोल्यूशन पर सेकंड या हर्ज, यानी कि 2 हर्ज। तो हर्ज मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब, या हर्ज मतलब किसका यूनिट है? ये भैया फ्रीक्वेंसी दिया है, तो जैसे रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, वैसे रिवोल्यूशन पर मिनट भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो पहले रिवोल्यूशन पर मिनट देगा कि रिवोल्यूशन पर आवर देगा, तो पहले आपको कन्वर्ट करना है रिवोल्यूशन पर सेकंड, समझ गए? तो ऐसे फ्रीक्वेंसी में वो घूम रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी दिया है इतना। क्वेश्चन पूछा ये पार्टिकल जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ये पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? लीनियर वेलोसिटी कहां होगा भैया? ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, देखिए, तो लीनियर वेलोसिटी भैया टांजेंशियल होगा, ऐसे वी वेक्टर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहां कितना होगा? कुछ होगा और डायरेक्शन होगा टांजेंशियल। तो कितना होगा लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? आप जानते हैं कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू कितना होता है भैया? आर ओमेगा। अभी हमने डिस्कस किए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, हाथ चला के बोलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पर ओमेगा तो डायरेक्टली भैया नहीं दिया है, पर फ्रीक्वेंसी दिया है। आप जानते हैं ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, लास्ट वीडियो में हम दिखे थे। इंप्लाइज v इज इक्वल टू, इधर दिखाइए, v इज इक्वल टू आर मतलब ये रेडियस, ये पार्टिकल इतना रेडियस में घूम रहा है, समझ गए, इनटू ओमेगा के जगह में लिखा 2πf। क्यों? मैं इधर लिखा सिंस ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन 2π इनटू 1/T को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सिंस मतलब ये होने के वजह से ये होता है, आर आर ओमेगा के जगह 2πf लिखा। तो R के जगह में क्या पुट किया भैया? R के जगह 1 पुट किया इंटू 2 और पाई के जगह 3.14 पुट करेंगे, 22/7 यानी कि 3.14। और फ्रीक्वेंसी के जगह देखिए F के जगह मैं 2 हर्ज पुट किया, तो 2 2 जा 4 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 जा 16, 4 1 जा 4 8 5, 4 3 जा 12, 12.56 और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। क्यों होगा लीनियर वेलोसिटी का यूनिट? क्योंकि देखिए रेडियस मीटर फॉर्म में दिया है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समझ गए मेरे बात? ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके कर दीजिए, कर दीजिए सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप देखे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, एंड उसका कॉन्सेप्ट को यूज करके हम
डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व किए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये सब सब कुछ नोट कॉपी में लिखेंगे और रफ कॉपी में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छी तरफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।